कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ TVS एंड टॉर्क 125 cc। मैंने अपनी हर एक वीडियो में हर एक गाड़ी का पॉजिटिव रिव्यू किया है, पर आप लोग भी सोचते होंगे कि हमेशा पॉजिटिव रिव्यू ही करते हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ कोई नहीं बताते किसी भी गाड़ी। तो दोस्तों, ये वीडियो इसीलिए लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स बताने वाला हूँ एंड टॉर्क 125 cc रेस एडिशन। कुछ ऐसी बातें बता दूंगा आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। पहले तो बता देता हूँ, अभी आप देख रहे हो एंटॉर्क 125 cc। इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स रहने वाले हैं वो इसमें प्लास्टिक बॉडी रहने वाली है। जहाँ जिस हिस्से में मैं आप लोगों को हाथ लगा के दिखा रहा हूँ, वो सारे जो पार्ट इसके आ जाते हैं वो प्लास्टिक बॉडी में आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ, ये जो प्लास्टिक होती है ये होता है माइक्रोफाइबर होता है, मतलब ये जो प्लास्टिक होता है इतनी जल्दी से टूटता नहीं है। ये वाला प्लास्टिक जो होता है, जैसे हमारा स्कूटर रोड पे चल रहा है, रोड पे चलते चलते हम लोग गिर जाते हैं तो क्या होता है, स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं। पर अगर ज़ोर से टक्कर लगती है तभी ये पार्ट टूटते हैं, नहीं तो ऐसे ये टूटता नहीं है। माइक्रोफाइबर का ये बेनिफिट होता है, ये घिस जाता है पर इतनी जल्दी टूटता नहीं है। पर जो एंटॉर्क 125 cc रेस एडिशन आप लोग देख रहे हो, ये पूरा प्लास्टिक आता है, इसमें कुछ भी मतलब लोहे का होता नहीं है। जैसे अब ये वाला पार्ट देख रहे हो, इसको बोलते हैं कार्बन फाइबर। ये कार्बन फाइबर महंगी महंगी बाइकों में आता है, इसका भी बहुत बेनिफिट होता है, दिखने में थोड़ा अलग होता है, पर ये भी प्लास्टिक में ही आता है। मतलब एंटॉर्क 125 cc रेस एडिशन जो आप लोग देख रहे हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो लोहे में आता हूँ। जस्ट एक जैसे आप लोग ये अपने देखा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फ्यूल टैंक के पास में ये जो दो पैनल से देख रहे हो आप, यही सिर्फ लोहे के आते हैं। फ्यूल टैंक की बैक साइड भी इसकी जो होती है वो प्लास्टिक की होती है। पेट्रोल टैंक की अगर कैपेसिटी की बात करूँ तो मैं इसमें आता है 5.8 लीटर, पूरा 6 लीटर भी नहीं होता, 5.8 लीटर का फ्यूल टैंक होता है। सीट की अगर बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट बनाई गई है इसकी, ऐसा नहीं कि बेकार काम किया गया है। एंटॉर्क भले ही चाहे प्लास्टिक का आता हो, पर एंटॉर्क दिल्ली में सबसे ज़्यादा फेमस एंटॉर्क ही है, ये बात सबको पता है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है ये, जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा बिकता है। अगर मैं आप लोगों को इसके मीटर की बात करूँ तो फुल्ली डिजिटल कंसोल मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। ग्राफिक्स दिखने में काफ़ी शानदार होते हैं इसके। और आप लोगों को एक बात और बता दूँ जो आप लोग को पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताता, हर बार मैं मतलब चैलेंज करता हूँ कि जो मेरे जैसा रिव्यू कर दे मैं अपना चैनल नाम बदल दूँगा, जो आप लोग कहोगे वो रख लूँगा। इसमें काफ़ी सारे मॉडल आते हैं, कम से कम 6-7 मॉडल आते हैं एंटॉर्क में। डबल की ऑपरेटर होता है, चाबी साइड में लगानी पड़ती है इसका, अपना बूट स्पेस खोलने के लिए। बूट स्पेस भी काफ़ी गहरी है इसकी, उसमें आपको मोबाइल चार्जर चेसी नंबर मिल जाएगा। चेसी नंबर हमारे किस काम आता है, चेसी नंबर से क्या है, अपना गाड़ी हमारी रजिस्टर होती है जब हम बिल करवाते हैं। अब जैसे ये वाला पार्ट इसका लोहे का है, सिर्फ ये वाला पार्ट, जैसे सलेंसर हो गया, सलेंसर इसका अपना लोहे का आ जाता है। मतलब कुछ कुछ पार्ट, मतलब थोड़े से पार्ट है इसमें जो अपने उसके आ जाते हैं मतलब लोहे के, नहीं तो बाकी पूरी गाड़ी ये प्लास्टिक की होती है पूरी फुल। टायर ट्यूबलेस होते हैं, 12 इंचिस के टायर आ जाते हैं इसके। ये हमारा प्लेट्स लगाने के लिए लोगो, जो आप TVS का लोगो देख रहे हैं ना उसके नीचे। बाकी DRL मिल जाते हैं, टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉकर मिल जाते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी काफ़ी अच्छी दी गई है गाड़ी की, मतलब गाड़ी बिल्कुल शानदार बनेगी। बाकी मैं आपको इसका एक बारी प्राइस बता देता हूँ, ऑन रोड प्राइस जो इसका रहता है 1,14,000 रुपये ऑन रोड प्राइस। बाकी हर एक सिटी में अलग अलग प्राइस होता है, जैसे लुधियाना में इसका 1,14 प्राइस है। बाकी अलग अलग मॉडल आते हैं काफ़ी सारे, मतलब एंटॉर्क इतना बढ़िया है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।